गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम आपका चैप्टर 10th में टॉपिक कर रहे हैं द जमींदार्स रजिस्ट, यानी कि जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो जमींदार्स की जो पावर है वो कंपनी ने क्या करी थी, रेस्ट्रिक्ट कर दी थी, यानी कि जो पावर है लिमिटेड कर दी थी। और जो अब जमींदारों की पावर तो लिमिटेड कर दी थी, अब गांव में क्या होने लगा था, जो जोतेदार्स थे वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करने लगे थे, यानी कि अपनी पावर को इकट्ठा करने लगे थे। और जो जोतेदार्स थे वो गांव में क्या हो गए थे, और जो जमींदार्स थे उनसे अधिक पावरफुल हो गए थे। तो जमींदारों के पास अब कुछ नहीं होता था, वो सिर्फ अगर उनको जोतेदार क्या करते थे, उनको पैसे नहीं देते थे टाइम पर, तो क्या करते थे, सिर्फ उनके ऊपर केस कर देते थे, और वो केस काफ़ी समय तक पेंडिंग रहते थे। तो जमींदारों की जो कंडीशन हो गई थी वो बहुत ही मतलब बुरी हो गई थी, और वो एक तरह से क्राइसिस में आ गए थे। तो अब क्या किया, अब जमींदारों ने भी रजिस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है, द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कलैप्स। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो गाँव में जमींदार कहाँ पर रहते थे, अर्बन एरियाज़ में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में, और जो जोतेदार थे वो गांव में रहते थे। तो जो गांव में जो रियल पावर थी, दैट वर द जोतेदार्स, जो जोतेदार थे वो गांव में रियल पावर थी, क्योंकि वो गांव के लोगों के बीच में रहते थे, और जमींदार की इतनी पावर नहीं थी गांव में, क्योंकि वो शहर में रहते थे। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल एरियाज हाउएवर डिड नॉट कलैप्स। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता है, उनकी जो अथॉरिटी है वो समाप्त नहीं हुई थी, हालांकि उनकी पावर इतनी नहीं थी, लेकिन उनकी जो सत्ता है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। फेस्ड विद एन एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेवेन्यू डिमांड एंड पॉसिबल ऑक्शन ऑफ देयर स्टेट्स, दे डिवाइज्ड वे ऑफ सर्वाइविंग द प्रेशर। अब हमने पहले पढ़ा था कि अगर जमींदार जो टाइम पे अपना पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके जो स्टेट्स हैं उनकी ऑक्शन, यानी कि उनकी नीलामी करा दी जाती थी, जिसमें से बहुत सारे जो प्रोसीजर होते थे वो जो कौन होते थे, जोतेदार होते थे। अब जो राजस्व की अत्यधिक मांग, हमने ऊपर पढ़ा था कि गांव के लोग राजस्व नहीं दे पाते थे, समटाइम्स ड्यू टू फेलियर, क्रॉप फेलियर, एंड समटाइम ड्यू टू डिले, कई बार तो क्रॉप फेलियर हो जाता था जिससे लोग दे नहीं पाते थे, और कई बार वो जान कर टाल भी देते थे, क्योंकि जोतेदार जो होते थे गाँव में रायत होते थे, वो उन्हें नहीं देते थे टाइम पर। तो इसके कारण जमींदारों पे जो उनका पेमेंट है वो अक्यूमुलेट हो जाता था, उनके ऊपर जो पेमेंट है जो उनको सरकार को दे रहा होता था वो बढ़ता जाता था। तो इसी कारण से जो राजस्व की मांग जो है बहुत अधिक हो जाती थी, क्योंकि जो पेमेंट होता था वो अक्यूमुलेट होता था। तो एक तो जमींदारों के ऊपर राजस्व की मांग अक्यूमुलेट हो जाती थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा राजस्व देना पड़ता था, और उसके साथ साथ अगर राजस्व नहीं दे पाए तो उनको क्या थ्रेट फेस करना पड़ता था ऑक्शन का, कि उनकी जो स्टेट है उनकी नीलामी हो सकती है अगर अपने राजस्व नहीं दे पाए। अब उन्होंने इन चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो प्रेशर है उनके ऊपर उससे निपटने के लिए, जो दबाव है उनके ऊपर से निपटने के लिए उन्होंने नए रास्ते अपनाए। न्यू कॉन्टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्यू न्यू स्ट्रेटजीज। अब जो नए संदर्भ है उसमें उन्होंने नई रणनीतियाँ अपना ली। अब वो रणनीतियाँ क्या थी, फिक्शियस सेल वॉज वन सच स्ट्रैटेजी। अब जो फिक्शियल स्टेट थी, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था शुरू में, हमारा जो कौन सा था, राजा ऑफ बुड़गांव, बर्दवान की राजा की घटना हमने पढ़ी थी, बर्दवान की राजा ऑफ बुड़गांव, उन्होंने हमने पढ़ा था कि उनके जो स्टेट है वो ऑक्शन के लिए, उनकी ऑक्शन हो रही थी, उनकी नीलामी हो रही थी, लेकिन बाद में क्या मिला कि जो ऑक्शन था दैट वॉज फिक्शियस, यानी कि फर्जी था, क्योंकि बहुत सारे जो परचेजर्स थे वो राजा के एजेंट थे या फिर उनके नौकर थे। तो हमने पढ़ा था शुरू में चैप्टर के। तो एक इनका जो रास्ता है वो यही बता रहे कि जो फिक्शियस फेल वॉज वन स्ट्रैटेजी, जो फिक्शियस स्टेट है यानी कि फर्जी बिक्री है, यानी कि नाम की बिक्री, ऊपर से दिखाई बिक्री हुई है, लेकिन जो उसका असली मालिक कौन रहता था, राजा रहता था। तो एक स्ट्रैटेजी थी फिक्शियस सेल, यानी कि फर्जी बिक्री की। इट इन्वॉल्व्ड अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर्स। इसमें क्या होता था, इसमें कई तरह के हटकंदे अपनाए जाते थे। द राजा ऑफ बुर्दवान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर सम ऑफ दिस जमींदारीज टू हिज मदर, सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। अब इसमें कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते थे, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है।
द राजा ऑफ बुर्दवान, जो राजा ऑफ बुर्दवान था जो हमने शुरू में पढ़ा था, उसने क्या किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर, उसने क्या किया, सबसे पहले अपने कुछ जमींदारी अपनी मदर को ट्रांसफ़र कर दी, अपनी माँ के नाम कर दी। सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट प्रॉपर्टी वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, और उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने डिक्री दी थी, कंपनी ने ये निर्णय लिया था कि स्त्रियां हैं जो औरतें हैं उनकी संपत्ति को छीना नहीं जाएगा, तो इसलिए उसने अपनी संपत्ति बचाने के लिए, उसने अपनी जिम्मेदारी बचाने के लिए कुछ प्रॉपर्टी अपनी माता के नाम कर दी। देन एज अ सेकेंड मूव, और उसने दूसरी मूव दूसरे उसने दूसरा कदम क्या उठाया, हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन, उसके जो एजेंट्स थे, उसके जो राजा के एजेंट थे, उन्होंने जो ऑक्शन उसमें नीलामी है उसको क्या कर दिया, उसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या कर दिया, उसको जोड़ तोड़ कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर दिया, उसको तोड़ मरोड़ कर दिया जो ऑक्शन की प्रक्रिया है। द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वॉज डेलीबरेटेड विद हेल्ड एंड अनपेड बैलेंसेज वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, जो कंपनी की रिवेन्यू डिमांड है, जो कंपनी की राजस्व मांग है, उसको क्या कर दिया, उसको डेलीबरेटली यानी कि उसको जानबूझ के रोक दिया गया, यानी कि जानबूझ के वो नहीं दी गई, एंड अनपेड बैलेंसेज वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, और क्या किया, जो राजा की तरफ से पैसे दिए जाने थे, पेमेंट दिए जाने थी, उसको क्या कर दिया गया, उसको इकट्ठा होने दिया गया, यानी कि कंपनी को जानबूझकर पैसे नहीं दिए गए, उसको पेमेंट नहीं दी गई, और जब बैलेंस राजा के सर पे इकट्ठा हो रहा था, राजा के सर का जो कर्ज इकट्ठा हो रहा था कंपनी का, उसको जानबूझ के बढ़ने दिया गया, इकट्ठा होने दिया गया। व्हेन अ पार्ट ऑफ द एस्टेट वाज ऑक्शन द जमींदार्स मैन बॉट द प्रॉपर्टी आउटबिडिंग अदर परचेजर्स, अब राजा के सर पे कर्ज इकट्ठा हो रहा था, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स उसका इस्टेट की ऑक्शन की जानी थी, ताकि कंपनी जो है अपना जो डिमांड है उसको फिर से वापस रिकवर कर सके, उसकी रिकवरी के लिए इस्टेट की ऑक्शन की जानी थी। अब जब इस्टेट का एक पार्ट ऑक्शन हो रहा था, यानी उसकी नीलामी हो रही थी, तो जमींदार के जो मैन है, जमींदार के जो आदमी हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, और प्रॉपर्टी कैसे खरीदते थे, आउटबिडिंग अदर परचेजर्स, दूसरों के मुकाबले ऊंची बोली लगाकर वो प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे। सबसिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे अप द परचेज मनी सो दैट द इस्टेट हैड टू बी रिसोल्ड, अब उन्होंने ऊंची बोले तो लगा दी, ऊंची बोले लगा कर उन्होंने खरीद लिया, अब उसके बाद वो क्या करते थे, वो आगे चलकर ये जो खरीद की राशि है इसको अदा करने से इनकार कर देते थे। क्या होता था, ऑक्शन हुई आपकी, ऑक्शन में बोलियाँ लगाई, जिसकी सबसे ऊंची बोली लगी उसको बेच दिया, अब बेचने के बाद जब पेमेंट का टाइम आता था, जब उसको पैसे देने का टाइम आता था, तब वो पैसे देने से मना कर देते थे, तो उसके बाद पैसे देने से उन्होंने मना कर दिया, जो राजा के एजेंट है या फिर जो राजा के वर्कर्स हैं, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद क्या होता था, सो दैट द स्टेट हैड टू बी रिसोल्ड, अब पैसे तो मिले नहीं, ऑक्शन हुई, खरीद लिया राजा के एजेंट्स ने और पैसे देने से मना कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, स्टेट की दोबारा ऑक्शनिंग होगी, दोबारा उसकी बोली लगाई जाएगी। वंस अगेन इट वॉज बोर्ड बाय द जमींदार्स एजेंट, वंस अगेन द परचेज मनी वॉज नॉट पेड, एंड वंस अगेन देयर वॉज एन ऑक्शन, अब दोबारा फिर क्या होता था, ऑक्शन होती थी जिसमें इसका जमींदार के एजेंट ही खरीदते थे, फिर उसको फिर दोबारा मनी पे नहीं होता था, मनी पे नहीं करते थे टाइम पे वो खरीदने के बाद, और उसके बाद फिर दोबारा ऑक्शन होती थी। तो जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये एंडलेस रिपीट होता था, ये इसको मतलब रिपीट किया जाता था बहुत बार तक, एग्जॉस्टिंग द स्टेट एंड द अदर बीडर्स एट द ऑक्शन, और इससे क्या होता था कि जो राजा का मतलब जो वहाँ पे बोली लगाने वाले होते थे या फिर जो खरीदने वाले होते थे, वो क्या होते थे, थक जाते थे, कि इतना एंडलेस प्रोसेस होता था। एट लास्ट द स्टेट वॉज सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू द जमींदार, और उसके बाद क्या होता था, जब सभी लोग थक जाते थे, जो बोली लगाने वाले, जो खरीदने वाले हैं, जो आने वाले हैं, तो उसके बाद क्या होता था, जो स्टेट होता था वो एक बहुत कम पैच पे जमींदार को ही वापस भेज दिया जाता था। द जमींदार नेवर पेड द फुल रिवेन्यू डिमांड, द कंपनी रियली रिकवर द अनपेड बिल्स दैट हैड पाइल्ड अप, अब इससे क्या होता था कि जमींदार जानबूझकर अपने सर पे कर्ज चढ़ाता था, बाद में ऑक्शन होती थी जो कि एक एंडलेस प्रोसेस होता था, और लास्ट में क्या होता था
कि जो इस्टेट है वो जमींदार को ही वापस बेच दिया जाता था लास्ट में हार के। और इससे क्या होता था लास्ट में कि जो जमींदार है वो ना तो पूरा रेवेन्यू पे करता था और ना ही जो कंपनी है उसको जो उसके बैलेंस है वो पूरे मिल पाते थे, वो अपने बैलेंस रिकवर कर ही नहीं पाती थी। तो सच ट्रांजैक्शन हैपन ऑन ए ग्रैंड स्केल। अब ऐसे जो ट्रांजैक्शन हैं, ऐसे सौदे हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर हुए। बिटवीन 1793 एंड 1801 फोर बिग जमींदारीज ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग बुद्धवान मेड बेनामी परचेजेस दैट कलेक्टिवली यील्डेड एज मच एज ₹30 लाख। ये जो बिटवीन 1793 एंड 1801 1793 से 1801 के बीच में जो बंगाल की चार बड़ी जमींदारियाँ जिसमें बुर्दवान की जमींदारी भी एक थी, उन्होंने क्या किया, मेड बेनामी परचेजेस, उन्होंने अनेक बेनामी खरीदारियाँ की जिनकी से कुल मिलाकर 30 लाख प्रति रुपए की प्राप्ति हुई। ऑफ टोटल स्केल्स एट द ऑक्शन ओवर 15% वर फिक्शियस। और जो ऑक्शन में जो टोटल सेल हुई थी उसमें से जो 15% से ज़्यादा जो सेल थी वो क्या थे, फिक्शियस थे, वो नकली थे। देर वर अदर वेज इन विच जमींदारी सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो एक तरीका था कि जो ऑक्शन करवा दी फिक्शियस करवा दी, फर्जी करवा दी। अब दूसरा तरीका क्या था, जमींदारों ने और भी तरीके निकाले ताकि अपने जो ज़मीन है उसको छीनने से रोक सकें। उसमें और क्या थे, एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बोर्ड एन स्टेट एट एन ऑक्शन दे कुड नॉट ऑलवेज टेक अ पोजेशन। एक तरीका तो था कि उन्होंने अपने एजेंट से ज़मीन खरीदवा लेते थे और बाद में पेमेंट नहीं करते थे और लास्ट में उनको ही मिल जाती थी वो। दूसरा तरीका क्या था कि जब लोग हैं बाहर से जमींदारी के बाहर से स्टेट को ख़रीद भी लेते थे तो वो हमेशा उस स्टेट की पोजीशन यानी कि उस स्टेट पर कब्जा नहीं कर पाते थे। एट टाइम देयर एजेंट वुड बी अटैक बाय द लाठियाज ऑफ द फॉर्मर जमींदार। कई बार क्या होता था कि जो एजेंट हैं उन लोगों के जिन्होंने ख़रीदी हैं उन पर हमला जाता था, जो लाठियार्स हैं जो जमींदार के जो लोग हैं वो उन पर हमला कर देते थे। समटाइम इवन द राइट्स रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ द आउटसाइडर्स। और कई बार क्या होता था जो राइट्स थे जो वहाँ के जमींदारी के जो राइट्स होते थे वो आउटसाइडर की एंट्री को उसका विरोध करते थे। दे फेल्ट बाउंड टू देयर ओन जमींदार थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव्ड हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्फ एज हिज प्रोजा। वैसा क्यों करते थे, क्योंकि वो जो रायत होते थे वो अपने पुराने जमींदार से जुड़ाव महसूस करते थे थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। क्यों जुड़ाव महसूस करते थे, थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी कि वफादारी की भावना से उनके जो जमींदार हैं उनके प्रति जुड़ाव महसूस करते थे, वो उनके प्रति वफादार रहना चाहते थे। एंड परसीव्ड हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, और उसको जो पुराना जमींदार है उसको ही अपना अंदाता मानते थे। एंड देमसेल्फ एज इज प्रोजा, और खुद को जो रायस है खुद को जमींदार की प्रजा मानते थे, जमींदार को अपना अंदाता मानते थे, अपना देवता मानते थे, अपना राजा मानते थे और खुद को उनकी प्रजा मानते थे। तो सेल ऑफ द जमींदारी डिस्टर्ब देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी देयर प्राइड। और जो जब जमींदारी की सेल होती थी तो वो जो रायट्स हैं उनके गौरव को धक्का पहुंचाती थी, उनके आइडेंटिटी और उनके प्राइड को धक्का पहुंचाती थी। द जमींदार देयरफॉर नॉट इजली डिस्प्लेस्ड। तो इसलिए जो जमींदार हैं वो इजली यानी कि आसानी से वहाँ से डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित नहीं किए जा सकते थे, उनकी जमींदारी पर और कोई कब्जा नहीं जमा सकता था आसानी से। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर। अब क्या हुआ उसके बाद 19वीं शताब्दी के शुरू में जो डिप्रेशन था प्राइसेस में यानी कि जो मंदी थी प्राइसेस में वो क्या होती है, वो ख़त्म हो चुकी थी। दस दोज हु हैड सर्वाइव द ट्रबल ऑफ 1790s कंसोलिडेटेड देयर पावर। इसलिए जो ऐसे जो जमींदार थे, जैसे जो लोग थे जिन्होंने जो 1790s का सर्वाइव कर गए थे, जो 1790s के दशकों की तकलीफ को झेल गए थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो पावर है अपनी जो शक्ति है उसको सुदृढ़ बना लिया। रूल्स ऑफ द रिवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवट फ्लैक्सीबल।
और जो रूल्स रेवेन्यू पेमेंट के, जो राजस्व के भुगतान का जो रूल्स हैं, उनको भी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, फ्लेक्सिबल बना दिया थोड़ा, उनको थोड़ा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लचीला बना दिया। जितना पहले वो हार्ड थे उतना हार्ड नहीं रहे वो रूल्स। एज रिजल्ट द जमींदार्स पावर ऑफ द विलेजेस वाज स्ट्रेंथेंड। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो जमींदार की पावर है विलेजेस के ऊपर, गांव के ऊपर जमींदार की पावर है, वो क्या हो गई, वो और भी अधिक सुदृढ़ हो गई, वो स्ट्रॉन्ग हो गई। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द 1930s दैट दे फाइनली कोलैप्स्ड एंड द जमींदार कंसोलिडेटेड देयर पावर इन द कंट्री साइड। अब उसके बाद जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, जो महामंदी आई 1930s में, वहाँ उसी कारण उनकी जो पावर है वो कोलैप्स हुई। 1930s की में जो महामंदी आई, उसी में उनकी जो जमींदार्स की पावर है कोलैप्स हुई, उनकी जो शक्ति वो कोलैप्स हुई, और जो जमींदार्स हैं उन्होंने अपनी पावर को कंट्री साइड में, यानी कि जो देहात में अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, और उनकी जो स्थिति वो सुदृढ़ हो गई, जो जमींदार्स की थी।